स्काईडाइविंग करना तो कई मूवीज या फिर वीडियो गेम्स में देखा ही होगा। तो इसी स्काईडाइविंग के फील्ड में एक शख्स ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिलिक्स बॉमगार्टनर नाम के एक ऑस्ट्रियन स्काईडाइवर इसी फील्ड में नया रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में सीधा अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद उनका ये स्टंट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और स्काईडाइविंग के फील्ड में एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसे भविष्य में तोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। तो फिलिक्स इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद वो आखिर बच कैसे गए? क्योंकि पिछले वीडियोस में तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कल्पना चावला का स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो गया। तो इससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्टंट कितना ज्यादा रिस्की था। तो आखिर इस स्टंट को फिलिक्स ने पूरा कैसे किया? तो क्या उसने सच में अंतरिक्ष से ही छलांग लगाया या फिर हमारे ही एटमॉस्फेयर के किसी हिस्से से? आइए जानते हैं। फिलिक्स अपने जीवन के शुरुआती दौर में ऑस्ट्रिया मिलिट्री में शामिल थे और इसी दौरान फिलिक्स रेगुलर बेसिस पे पैराशूट जंपिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। लेकिन मिलिट्री फील्ड से अपना रिटायरमेंट लेने के बाद फिलिक्स ने अपना ज्यादातर समय स्काईडाइविंग को देना जरूरी समझा और लगातार स्काईडाइविंग करते गए। और स्काईडाइविंग में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाने की सोची। लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने का प्रयास करना वो भी एक इंसान के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक पहुंचना या फिर स्पेशल शूट और साथ ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग लेना, इन सब की जरूरत होती है। और इसके लिए चाहिए था एक बिल्कुल ही प्रोफेशनल टीम जो इस फील्ड में एकदम माहिर हो। और इसी खोज में फिलिक्स की मुलाकात हुई रेडबुल कंपनी से, जो कि एनर्जी ड्रिंक बनाती है। और रेडबुल एनर्जी ड्रिंक के साथ ऐसे खतरनाक स्टंट करवाने के लिए भी जाना जाता है। तो अंतरिक्ष से कूदने के सफर में रेडबुल ने फिलिक्स को वो सारी ट्रेनिंग दी जो इस स्टंट को किसी दुर्घटना के बिना करने में मदद करता। तो सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज और वेदर कंडीशन की वजह से इस प्रोग्राम को डिले किया जा रहा था। लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को ये कारनामा होने वाला था। तो सबसे पहले तो फिलिक्स को ऊपर अंतरिक्ष तक पहुंचाना था। उसके लिए रेडबुल ने एक स्पेशल कैप्सूल का इंतजाम किया जिसको एक बहुत बड़े हीलियम गैस के गुब्बारे से लटकाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, हीलियम सबसे हल्का गैस होने के कारण इतना बड़ा गुब्बारा उस कैप्सूल को ऊपर स्पेस में ले जाने के लिए काफी था। 120 मीटर डायमीटर और 212 मीटर लंबा यह गुब्बारा 1315 किलो के इस भारी कैप्सूल को उठाने में सफल हो गया। और धीरे धीरे ये फिलिक्स के साथ ऊपर आसमान में आगे बढ़ने लगा और गुब्बारे के साथ फिलिक्स वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा था, जहां से फिलिक्स छलांग लगाने वाला था। गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेटोस्फीयर हमारे वायुमंडल का दूसरा लेयर है जो ट्रोपोस्फीयर के बाद ही आता है। और वायुमंडल का ये लेयर 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एटमोस्फियर का वो लेयर है जहाँ से सुपरसोनिक एयरप्लेन गुजरता है। अब अगर देखा जाए तो इस जगह को अंतरिक्ष बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी वायुमंडल के लेयर्स है जहाँ पे हवा के साथ ग्रेविटी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर की तरह हवा नहीं बहता और ना ही यहाँ बादल पाए जाते हैं। और तापमान भी -23 डिग्री सेल्सियस के जितना पहुँच सकता है, जो इस जगह को बिल्कुल ही अंतरिक्ष जैसा फील दिलाती है। तो इस पूरे घटना को रिकॉर्ड करने के लिए कैप्सूल में दो हाई डेफिनेशन कैमरा लगे हुए थे। और इसके बाद धरती से 39 किलोमीटर ऊंचाई से फिलिक्स ने जंप लगाया और कूदने के बाद फिलिक्स ने साउंड से ज्यादा स्पीड हासिल कर लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। नॉर्मली साउंड का स्पीड 1234.8 किलोमीटर पर आवर होता है और वही फिलिक्स का स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर के जितना हो चुका था। और वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जो साउंड बैरियर यानी साउंड की गति से भी ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहे थे। इससे पहले तक रॉकेट्स और सुपरसोनिक एयरप्लेन्स ही इस स्पीड तक पहुंच सकते थे, लेकिन फिलिक्स ने मानो इंसानों की क्षमता का एक नया लिमिट सेट कर दिया और इसी के साथ ये भी बता दिया कि हम इंसान भी साउंड के स्पीड को तोड़ सकते हैं, वो भी रॉकेट्स और एयरप्लेन्स के बगैर। तो जब फिलिक्स इतनी स्पीड से नीचे आ रहे थे, तब उनके लिए सबसे मुश्किल काम था खुद को उस कंडीशन में बैलेंस्ड रखना, क्योंकि अगर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा, जैसे मानो अगर उनका हाथ उनके शरीर के बाकी हिस्से से अलग स्पीड प्राप्त कर लेता, तो वहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न होते जो फिलिक्स को अपने एक्सिस में किसी पंखे की तरह कंटिन्यूसली घुमाने लगता, जिसके कारण वो बेहोश होकर मर भी सकते थे। लेकिन इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रेडबुल कंपनी ने इमरजेंसी पैराशूट का बंदोबस्त किया था। तो अगर बदकिस्मती से ऐसी घटना घटती तो ये पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाता, लेकिन इसके साथ और समस्या भी हो सकती थी।
पैराशूट के खोलने के बाद अगर फिलिक्स का घूमना बंद ना होता तो पैराशूट के डोरियों में उलझकर उनकी जान जा सकती थी। तो इससे ये साबित होता है कि इस घटना के दौरान एक छोटी सी गलती फिलिक्स की जान ले सकती थी। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपनी इस छलांग के वक्त एक बार के लिए फिलिक्स का बैलेंस बिगड़ा भी था, लेकिन किसी तरह उन्होंने वापस नियंत्रण पा लिया और न्यू मेक्सिको डेजर्ट के पास पैराशूट की मदद से सक्सेसफुल लैंडिंग किया और इसी के साथ अपना नाम इतिहास के पन्नों पे लिख दिया। तो फिनिक्स के इस जानलेवा स्टंट से ये पता चल गया कि इंसानी शरीर साउंड के स्पीड से भी ज्यादा गति झेल सकता है और इस जानकारी को इस्तेमाल करके शायद हम भविष्य में स्पेस मिशन और धरती पर स्पेस एस्ट्रोनॉट के लैंडिंग में और भी इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो फिनिक्स के इस जानलेवा स्टंट को बहादुरी कहना सही रहेगा या फिर पागलपन, अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।